जादूगर और पायलट के बीच करीब 4 साल से भी ज्यादा समय से चली आ रही खींचतान 4 घंटे की बैठक में खत्म हो गई। आखिर कैसे? राजनीतिक पंडितों को यह बात पच नहीं रही है कि आखिर दोनों के बीच के सुलह का फॉर्मूला क्या है, जिस बात के लिए तकरार थी उस बात का क्या समाधान निकला। खैर, कथित शांति सभा के बाद गहलोत साहब ने मुलाकात के बाद कहा कि मैंने अपनी बात खुल कर रख दी है, और फिर क्या कह दिया जरा आपको सुनाते हैं। अगर बुलाया गया हम लोगों को तो हमारी ड्यूटी बनती है हम अपनी बात खुल के कहें। हमने अपनी बात खुल के कह दी, उसके बाद में छोड़ दिया भाई, जो खड़गे साहब जाने उनका काम जाने, जो राहुल गांधी जाने उनका काम जाने। बागी जब साथी बन जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में वो फिर से बागी नहीं बनेगा। खैर, पत्रकार ने सीएम साहब से सवाल पूछ लिया कि एक समय तो उन्होंने आपसे बगावत की थी, लेकिन अब वो आपके साथ मिलकर काम कैसे करेंगे? गहलोत साहब ने क्या कहा सुन लीजिए। अब आपको क्या उम्मीद है कि सचिन पायलट जिन्होंने की बगावत की हुई थी, आपकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ, तो वो भी साथ रहेंगे, क्या उम्मीद है उनसे? अब देखिए, ये कल की मीटिंग इसीलिए हुई थी, किस प्रकार से हम लोग काम करें अपने अपने वहां पे। अब भरोसा है वो साथ में मिलकर काम करेंगे, उनके लिए क्या रोल होगा? क्यों नहीं करेंगे अगर पार्टी में वो हैं, और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? पार्टी में हैं तो क्यों नहीं करेंगे, गहलोत साहब का ये जवाब है। लेकिन इस जवाब में भी ना एक सवाल छुपा है। सवाल ये कि पार्टी में वो सालों से है लेकिन आपके साथ नहीं थे, अब ऐसा क्या हुआ जो दोनों साथ आ गए? ये बात क्लियर नहीं। खैर, पत्रकारों ने फिर से यही सवाल दोहरा दिया और पूछ लिया कि पायलट ने मीटिंग के अंदर आपको क्या भरोसा दिया है? सचिन सहयोग करेंगे सर, सचिन सहयोग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, सब क्या भरोसा दिया है उन्होंने अंदर मीटिंग में? सचिन ने क्या भरोसा दिया? मुझे कमिटमेंट किया है उन्होंने, मुझे विश्वास है कि हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे बताओ? हम विश्वास करके चलना चाहिए हम लोगों को। विश्वास देखिए, विश्वास जीता जाता है जी। देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, विश्वास देखकर विश्वास जीता जाता है, लेकिन विश्वास का आधार क्या है? खैर, आगे पत्रकारों ने पूछा कि पार्टी में रोल क्या होगा पायलट का? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल है? रोल, ये जीवन एक रंगमंच है, यहाँ सबको अपना रोल निभाना है। गहलोत साहब ने अपने रोल के बारे में क्या कहा, आइए आपको हम ये भी सुना देते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते है, मेरे लिए मायने रखता है जिंदगी में। हमें 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ मैं, अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। 3 बार मुख्यमंत्री बनना बहुत रेयर होता है, 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, ठीक है, और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। तो मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है, सोनिया जी ने और राहुल जी ने मुझे विश्वास किया, प्रियंका जी का भी योगदान था, जब मुझे तो चांस दिए हैं काम करने के, तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे। वे किस प्रकार से हम जीत के आए हैं उसके अंदर मैं मेरी भूमिका रखूं, इम्पोर्टेंट वो मैं रख रहा हूं। गहलोत ने अपने बयान में सचिन पायलट को एक संदेश दे दिया, वो संदेश क्या है जरा सुनिए। सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, आपसे मिलेंगे काम करने के, पहले मिले भी है आगे भी मिलेंगे। गहलोत ने धैर्य का पाठ पढ़ाया, लेकिन किसको ये आप खुद समझ गए होंगे। खैर, गहलोत और पायलट के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी भी सीज़फ़ायर की उल्लंघन की संभावनाएं बनी हुई हैं। कल दोनों नेताओं को आलाकमान ने मुलाकात के लिए बुलाया था, और फिर राहुल गांधी और खड़गे ने दोनों नेताओं से, पायलट और गहलोत से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आए। आमतौर पर बड़ी मीटिंग के बाद से नेता मीडिया के कैमरों से बचते हुए घर चले जाते हैं, लेकिन कल की बैठक के बाद गहलोत और पायलट दोनों चलकर मीडिया के पास पहुंचे और ये बताया कि हम एकजुट हैं। लेकिन बीजेपी अभी भी ये सवाल पूछ रही है कि बात इतनी बड़ी थी क्या कि आला कमान को 4 घंटे के लिए बैठक करनी पड़ी। खैर, इस बैठक के बाद से कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1 कि दोनों के बीच की सुलह का फॉर्मूला क्या था। सवाल नंबर 2 कि मीटिंग में आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसे 4 साल से ज्यादा समय से चल रहा यह झगड़ा 4 घंटे के अंदर खत्म हो गया। सवाल नंबर 3 कि गहलोत और पायलट अगर मिल भी जाएं तो क्या उनके समर्थकों के दिल
मिलेंगे। सवाल नंबर 4 कि पायलट जो मांगे कर रहे थे पूरी ना होने पर आंदोलन की बात कह रहे थे, क्या वो मांगे पूरी होंगी? इसका भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। खैर, आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।